हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेक्स फंक्शन ग्रुप्स के बारे में डैस्क फंक्शंस क्या होते हैं कौन कौन से फंक्शंस किस ग्रुप में आते हैं पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डैक्स का मतलब क्या होता है डैक्स की फुल फॉर्म डेस्क यूज क्यों करते हैं क्या क्या पर्पज होते हैं उसके तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डैक्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं ये एक फाइल है जो मैंने पावर बी में बनाई है अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड पे ये सारे फंक्शन ग्रुप्स हैं डेट एंड टाइम फंक्शन अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सारे डेट एंड टाइम फंक्शंस आ जाएंगे राइट देन देर इज़ फिल्टर फंक्शन फिल्टर फंक्शन पे मैं जाऊँगा तो ये सारे मेरे फिल्टर फंक्शन जितने भी हैं उसकी डिस्क्रिप्शन देन सिंटैक्स एंड रिटर्न वैल्यू तो ये सब आ जाएगा लॉजिकल फंक्शन है स्टेटिस्टिकल फंक्शन है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन हैं मैथ इंटरग्रेटरी फंक्शन हैं एंड इंफॉर्मेशन फंक्शन हैं इन सारे फंक्शन ग्रुप्स को मिला के देर आर मोर देन डैक्स डैक्स इन इन दिस पावर फाइल जनरल हमारे जो देस हैं दे आर रफली री हंड्रेड जो अगर आप ग्लोबल डैक्स फंक्शन के बारे में बात करोगे इस पर्टिकुलर पोर्टल पे अगर आपको कोई भी डैक्स सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल डेट डिफरेंस डेट डेफ रिसर्च करना है आपको यहाँ सिलेक्ट करना है सर्च करना है आपको ये पता चल रहा है कि आपका ये इंफॉर्मेशन फंक्शन में आएगा राइट right? नहीं यहाँ पर आएगा डेट एंड टाइम फंक्शन में डेट डेट डिफ डिफ सो आपका आ गया और आपने आपनेट करा तो डेट डिफ फंक्शन विच रिटर्न द काउंट ऑफ इंटरवल बाउंड्रीज क्रॉस बिटवीन टू डेट्स राइट ऐसे ही अगर आपको कोई और फंक्शन यूज करना है आप जस्ट रिमूव कर सकते हो इसको अनसेलेक्ट कर सकते हो इसकी जगह अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है रीसेट कर दोगे तो पूरा डिफॉल्ट आ जाएगा अगर मुझे सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल काउंट फंक्शन तो काउंट फंक्शन मेरा स्टेटिस्टिकल फंक्शन में आ रहा है काउंट right? राइट पर मेरी डेफिनेशन आ जाएगी सिंटेक्स आ जाएगा होल नंबर आ जाएगा फिर काउंट ए आ जाएगा काउंट ए एक्स तो इन सब के बारे में डिफरेंस है तो वो सब हम डिस्कस करेंगे राइट right? अब सबसे पहले एक मैं एजेंडा एक बार दिखा देता हूँ आपको जो मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे डैक्स इंफॉर्मेशन ऑन एट फंक्शन ग्रुप्स उसमें क्या-क्या डिस्कस क्या करेंगे सिंटेक्स, रिटर्न वैल्यू एंड कॉन्सेप्ट्स सबसे पहला है डेट एंड टाइम फंक्शंस डेट एंड टाइम फंक्शंस क्या होते हैं दीस फंक्शंस हेल्प यू क्रिएट कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन डेट्स एंड टाइम मेनी ऑफ द फंक्शंस इन डैक्स Are similar to the Excel date and time functions. अगर आप एक्सेल में फेमिलर हो एक्सेल पे काम किया है तो आपको कुछ हद तक ये डैक्स के जो फंक्शन है, है वो डेट टाइम होता है ना की डेट ना की टाइम डेट टाइम होता है एंड कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम कॉलम एज एन आर्ग्यूमेंट और राइट गोइंग बैक टू दू अगर हम डेट एंड टाइम फंक्शन पे आते हैं राइट लेफ्ट एंड साइड पे आप देख लोगे इतने सारे हमारे functions हैं। सबसे पहले अगर हम कैलेंडर फंक्शन की बात करते हैं तो कैलेंडर फंक्शन क्या होता है स्पेसिफाइड स्टार्ट डेट टू द स्पेसिफाइड एंड डेट इंक्लूसिव ऑफ द टू डेट्स अगर आपको एक डेट टेबल बनानी है पावर वी में तो आप कैलेंडर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो वहां लिखोगे डेट इक्वल टू कैलेंडर पैर स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट तो जो स्टार्ट डेट होगा और एंड डेट होगा उसके बीच में और इंक्लूडिंग दो डेट्स आपकी एक कॉलम बन जाएगा जिसमें सारे डेट्स हैं राइट right? तो ऐसे हम कैलेंडर फंक्शन के थ्रू एक डेट टेबल बना सकते हैं यहाँ पर आप आपटेक्स देख सकते हो कैलेंडर पैरेंथिस स्टार्ट स्टार्ट डेट

मैं उन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बाकी इन डेप्थ जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट वीडियोस में होगा ऐसे ही हम कैलेंडर ऑटो यूज कर सकते हैं फिर डेट फंक्शन यूज कर सकते हैं इट रिटर्न द स्पेसिफाइड डेट इन डेट टाइम फॉर्मेट इसका जो सिंटेक्स है डेट ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे तो इससे आप डेट डिफाइन कर सकते हो इसमें रिटर्न क्या होता है रिटर्न द स्पेसिफाइड डेट इन द डेट टाइप डेट तो आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हो रिटर्न द काउंट ऑफ इंटरवल बाउंड्रीज क्रॉस बिटवीन टू डेट्स इसका जो सिंटेक्स है डेट डिफ फिर स्टार्ट डेट एंड डेट और फिर लास्ट में जो पैराथिस इंटरवल हो होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक स्टार्ट डेट दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर का एंड डेट दे रहे हो नवम्बर का जो इंटरवल है वो आप प्लस टू माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी दे सकते हैं उसके बेसिस पे जो आपका डेट है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑल राइट right. और फिर जो इंटरवल है उसका काउंट आ जाएगा द काउंट ऑफ इंटरवल बाउंड्रीज क्रॉस बिटवीन टू डेट्स विल बी द रिटर्न वैल्यू ऐसे ही डेट वैल्यू है डे फंक्शन है ई e डेट है ई ओ मंथ फंक्शन है आर फंक्शन है आर फंक्शन क्या होता है इट रिटर्न द आर एज अ नंबर फ्रॉम जीरो टू ट्वेंटी थ्री जीरो मीन्स ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री मीन्स इलेवन पी एम इसका सिंटेक्स क्या होता है आर देन पैरथेसिस डेट टाइम पैरंथेसिस क्लोज इसकी रिटर्न वैल्यू आएगी इंटीजर नंबर फ्रॉम जीरो टू ट्वेंटी थ्री अगर मैं लिखता हूँ आर पैरेंथिस और कोई भी डेट तो उसका जो आर होगा ना वो मेरा आ जाएगा जैसे टू फाइव टेन ट्वेंटी कुछ भी आ सकता है बिटवीन टू सिमिलरली मिनट फंक्शन वो रिटर्न हो जाएगा आपको सिंपल लिखना लिखते ही आपका जो करंट डेट टाइम है ना वो आ जाएगा देन देयर इज सेकेंड फंक्शन टाइम फंक्शन टाइम वैल्यू फंक्शन होगा डेट तो इसके बेसिस पे मेरा एक इंटीजर रेंज आ जाएगा सो आर आर द द देयर इन डेट एंड टाइम फंक्शन लेट्स दिस नाउ गोइंग बैक टू एजेंडा हमने डेट एंड टाइम फंक्शन समझ लिया है अब हम समझेंगे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन क्या होते हैं टैक्स इंक्लूड्स टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन दैट इनेबल यू टू मैनुपुलेट डेटा यूजिंग टाइम पीरियड्स अगर आपको डेटा मैनुपलेट करना है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड्स इंक्लूडिंग डेज मंथ्स क्वार्टर्स एंड ईयर्स देन यू कैन यूज टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन सबसे पहले अगर आपने कभी काम किया हो टोटल वाई अगर आपको ईयर टिल डेट सेल्स निकालनी है आप अक्टूबर मंथ में हैं नवंबर मंथ में हैं आपको ईयर टिल डेट सेल्स निकालनी है फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टिल डेट तो आप कैसे निकालोगे तो आप वाई टी टोटल वाई टी डी फंक्शन यूज कर सकते हो दैट इज टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन सो गोइंग बैक टू अगर मैं यहाँ पर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पे सिलेक्ट करता हूं राइट सो दीज आर माई फंक्शन विच आर रिलेटेड टू टाइम इंटेलिजेंस आप देख सकते हो राइट right साइड पे सारे मेरे टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन आ चुके हैं अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं सबसे पहला अगर मैं डिस्कस करता हूं क्लोजिंग बैलेंस मंथ दिस फंक्शन इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन एट द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इन द करेंट हो लास्ट डेट ऑफ द मंथ पे दाइट right? इसका सिंटेक्स होगा क्लोजिंग बैलेंस मंथ फिर एक्सप्रेशन कॉमा डेट्स कॉमा आपको कोई भी फिल्टर लगाना हो वो भी लगा सकते हो बट दिस इज ऑप्शनल ऑलराइट इट रिटर्न्स

dates in period dates mtd अब dates mtd फंक्शन भी बहुत ज्यादा यूज होता है मैंने जितने भी पावर बीआई के रिपोर्ट्स बनाई हैं dates mtd फंक्शन किसी ना किसी में यूज हो ही जाता है अगर आपको सेल्स एनालिसिस करनी है इसमें इट रिटर्न्स अ टेबल दैट कंटेेंस अ कॉलम ऑफ द डेट्स फॉर द मंथ टू डेट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट इसका सिंटैक्स हो गया dates mtd फिर पैंथेसिस में डेट्स आ जाएंगी

लास्ट डेट फंक्शन यूज करके आपकी लास्ट डेट आ जाएगी उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो आपका स्कोप है उसमें जो लास्ट डेट होगी वो आ जाएगी फर्स्ट नॉन ब्लैंक फंक्शन से आपका जो सबसे पहला नॉन ब्लैंक टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम में आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं राइट देर माइट बी नल्स देर माइट बी टेक्स्ट तो आपकी जो फर्स्ट नॉन ब्लैंक होगी ना वो रिटर्न होगी रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू इन द कॉलम फिल्टर्ड बाय द करेंट कॉन्टेक्स्ट वेयर द एक्सप्रेशन इज नॉट ब्लैंक तो इसका सिंटेक्स हो गया फर्स्ट नॉन ब्लैंक ब्लैंकिस में कॉलम कॉमा एक्सप्रेशन क्लोज्ड रिटर्न्स रिटर्न्स वैल्यू इट अ टेबल कंटेनिंग अ सिंगल कॉलम एंड अ सिंगल रो विद द कंप्यूटेड फर्स्ट वैल्यू और इट सिमिलरली लास्ट नॉन ब्लैंक आ जाएगा आपका जो आपके उस पर्टिकुलर स्कोप में लास्ट वैल्यू नॉन ब्लैंक जो होगी नॉन नॉट नल होगी वो आपकी इसमें रिटर्न हो जाएगी फिर आते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर अब जैसे नेक्स्ट ईयर है इट रिटर्न टेबल दैट अ कॉलम ऑफ ऑल द डेट्स इन द नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन द फर्स्ट डेट इन द डेट्स कॉलम इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपके करंट कॉन्टेक्स्ट में ईयर 2022 है नेक्स्ट ईयर फंक्शन यूज करते ही ईयर 2023 का डेटा दिखाने लग जाएगा ऑलराइट देन कमिंग टू ओपनिंग बैलेंस मंथ

उन्हीं डेट्स पे डेट रिप्रेजेंट करते हैं विद द डेट्स शिफ्टेड अ नंबर ऑफ इंटरवल्स इधर फॉरवर्ड इन टाइम और बैक इन टाइम मैं अगर लिखता हूँ पैरेलल पीरियड ऑफ दिस डेट फॉर एग्जांपल नवंबर मंथ का नवंबर टू दिसंबर है ठीक है और मैं इंटरवल कहता हूँ टू तो वो टू से लेफ्ट में या फिर आगे शिफ्ट हो सकता है मतलब अगर मैं प्लस टू लिखूंगा तो वो दिसंबर की बात के टू मंथ्स ले लेगा अगर माइनस टू लेता हूं तो उससे पहले दो मंथ ले लेगा में right. में क्या होता है है, है, कि आपका जो जो आज का दिन current date, जो scope में है, उससे पिछले वाले दिन का डेटा दिखाएगा सिमिलर टू सिमिलरली फॉर प्रीवियस मंथ प्रीवियस क्वार्टर देन प्रीवियस ईयर कमिंग टू सेम पीरियड लास्ट ईयर दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूज डैक्स फंक्शन

सो फॉर एग्जाम्पल ये कब यूज हो सकता है अगर आपको करंट सिनेरियो को एनालाइज करना है वर्सेस लास्ट ईयर सेम पीरियड राइट अगर आप सेल्स के टारगेट्स हैं आपके आप लास्ट ईयर के लास्ट ईयर नवंबर वर्सेस दिस ईयर नवंबर देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो नवंबर को सिलेक्ट किया है अगर आपने नवंबर मंथ 2022 ट्वेंटी टू टैक्स को यूज करो उसमें सेम पीरियड लास्ट ईयर लगाओ सेम पीरियड लास्ट ईयर फॉर नवंबर ट्वेंटी के लिए होगा नवंबर ट्वेंटी तो उसमें आप कंपेरिजन कर सकते हो राइट टू स्टार्ट ऑफ मंथ स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ ईयर। इट सिमिलर टू बार आपको वो दिखा देता हूं। जो हमने किया था डेट एम टी डी राइट इसमें हमने क्या किया था रिटर्न सिंगल कॉलम ऑफ डेट वैल्यूज उस पर्टिकुलर

Filter and value functions in DAX are some of the most complex and powerful and differ greatly from Excel functions. अगर आपके जो filter functions Excel में है उससे आप confused मत होना वो और ये different है The filtering functions let you manipulate the data context to create dynamic calculations. अगर आप filter function use कर पाओ तो आप कोई भी data को manipulate कर सकते हो according to your needs. All right, अब हम DAX overview पे आते हैं हम सिलेक्ट करेंगे फिल्टर फंक्शन राइट फिल्टर फंक्शन में क्या आते हैं ऑल फंक्शन ऑल एक्सेप्ट ऑल नो ब्लैंक रो ऑल सिलेक्टेड कैलकुलेट कैलकुलेट टेबल क्रॉस फिल्टर डिस्टिंक्ट अर्लियर फंक्शन देन अर्लीस्ट फिल्टर फंक्शन फिल्टर फंक्शन हैज़ वन वैल्यू इज क्रॉस फिल्टर इज फिल्टर की फिल्टर रिलेटेड रिलेटेड टेबल सिलेक्टेड वैल्यू

इग्नोरिंग एनी फिल्टर दैट माइट है कि आपके डैशबोर्ड या रिपोर्ट पे फिल्टर लगे होंट लेकिन आप चाहते हो कि लगे हो या ना लगे हों मुझे सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है तो आप एक डेस्क बनाओगे उसमें फिल्टर में ऑल यूज कर सकते हो ऑल यूज करने पर ऑल के अंदर जो भी होगा जैसे ऑल पैर ओपन टेबल नेम कॉलम नेम्स इट right. इसके अंदर जो भी डेटा होगा अगर वो डैशबोर्ड पे फिल्टर भी लगा होगा इस कॉलम पे तब भी ऑल के वजह से मेरे को डेटा सारा दिखेगा इट रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल और ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर्स दैट माइट हैव बीन अप्लाइड दिस फंक्शन इज यूजफुल फॉर क्लियरिंग फिल्टर्स एंड क्रिएटिंग कैलकुलेशन ऑन ऑल द रोज इनबल ऑल राइट इट रिटर्न द टेबल और कॉलम विद फिल्टर्स रिमूव्ड सिंपल है अगर आपके डैशबोर्ड पे फिल्टर्स लगे हों या ना लगे अगर आपको टेंशन नहीं लेनी है और आप चाहते हो फिल्टर्स के बिना मेरा डेटा है तो आप अपने डेस्क में ऑल यूज करो और राइट सिमिलरली देर इज ऑल एक्सेप्ट अगर आपको एक दो पर्टिकुलर ऐसी टेबल्स हैं या कॉलम है जिनके अलावा आपको सारा डेटा चाहिए तो आप ऑल एक्सेप्ट कर सकते हो और एक्सेप्ट में पैरेंथिस में वो कॉलम्स या टेबल डाल सकते हो जिनका डेटा आपको नहीं चाहिए

तो जो भी आपके कॉन्टेक्ट फिल्टर्स हैं जो करंटली लगे होंगे कॉलम पे और रो पे जो आपकी करंट क्वेरी है वो सारे हटा देगा राइट right. बाकी जो भी लगे हैं वो आपके बने रहेंगे तो ये अगर हमें यूज करना है तो आप कोई भी रेफरेंस हो आप यूज कर सकते हो फिर आता है कैलकुलेट फंक्शन कैलकुलेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपका 90 परसेंट यूज होगा ही होगा कोई भी आपका डैशबोर्ड हो कैलकुलेट फंक्शन के बिना आप कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे properly. ये क्या करता है इट एन एक्सप्रेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट दैट इज मॉडिफाइड बाय द स्पेसिफाइड ऑल राइट फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स निकालनी है आप कह रहे हो कि मुझे सेल्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो सिंपल सम ऑफ कॉलम नेम जो आपका सेल्स कॉलम है सम ऑफ दैट तो उसमें कैलकुलेट यूज नहीं हुआ लेकिन आप कहते हो कि मुझे वो सम निकालना है जहां पर मेरा स्टेट है से मुंबई महाराष्ट्र राइट तो आपको क्या करना होगा आप लिखोगे कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स विद फिल्टर ऑन स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र तो उस केस में आपको कैलकुलेट फंक्शन यूज करना पड़ जाएगा जब भी आपको फिल्टर्स लगाने हैं तो आपको कैलकुलेट फंक्शन यूज करना ही है द वैल्यू दैट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन

मतलब कि बाकी जो है वो रिपीट हो रही है एक से ज्यादा बार राइट right? तो आपका डिस्टिंग फ़ंक्शन क्या करेगा? वो आपके बीस बारह को दिखाएगा जब आप कैलकुलेट फ़ंक्शन भी यूज करते हो उसमें भी आपका फिल्टर फंक्शन यूज होता है इट रिटर्न टेबल अ सबसेट ऑफ इन एक्सप्रेशन अगर आपको किसी भी कॉलम पे या टेबल पे फिल्टर लगाना है तो आपको फिल्टर फंक्शन यूज करना होगा right. पहला था फिल्टर फिल्टर टू कॉलम नेम इसमेंट आर डायरेक्टली अप्लाइड फिल्टर नेम ऑल राइट इसमें डिफरेंस यही है कि आपकी जो जो फिल्टर्स हैं वो डायरेक्टली अप्लाई होते हैं कॉलम पे

रिटर्न करना है रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम टेबल टेबल दो हैं जैसे आप एक्सेल में वी लुकअप यूज करते हो राइट हम यहाँ पर रिलेटेड फंक्शन यूज कर सकते हैं अगर वो दो टेबल कनेक्टेड हैं मैप्ड हैं राइट अगर आप डेटा मॉडलिंग में देखोगे एक की प्राइमरी की दूसरी के रिकॉर्ड में है वो कनेक्टेड है, है तो आप रिलेटेड फंक्शन के बेसिस पे डेटा पुल कर सकते हो ऑलराइट Then, related table function similar to related, but this is for table. Then, selected value is there, user relationship is there, then values function. This is also very important values function. It returns a one column table that contains the distinct values from the specified table or column. In other words, duplicate values are removed and only unique values are returned. Alright, so this is about filter functions. Now, coming back to agenda.

ओवरव्यू पे आते हैं टेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं टेक्स्ट फंक्शंस में हमारे होंगे ब्लैंक फंक्शन कॉन्कैटिनेट फंक्शन कॉन्कैटिनेट एक्स फंक्शन एग्जैक्ट फाइंड फॉर्मेट लेफ्ट लेंथ लोअर मिड रिप्लेस देन रेपिट रिपीट राइट सर्च सब्स्टिट्यूट ट्रिम अपर वैल्यू राइट सो दीस आर द फंक्शंस इन टेक्स्ट फंक्शन इसमें अगर हम देखें ब्लैंक फंक्शन इट रिटर्न्स अ ब्लैंक अगर आपको कोई ब्लैंक रिटर्न करना है तो सिंपल है आप इक्वल टू ब्लैंक कर सकते हो अगर आपको फॉर एग्जांपल निकालना है इफ माय कॉलम वैल्यू इज ब्लैंक देन डू दिस तो उसमें आप क्या करोगे कॉलम नेम इक्वल टू ब्लैंक विद पेरेंथेसिस राइट सो दिस दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फंक्शन देन कैटिनेट फंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन टू स्ट्रिंग्स

अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सर्च करना है उस पर्टिकुलर कॉलम में तो आप फाइंड फंक्शन यूज कर सकते हो फॉर्मेट फंक्शन है जो आपको यूज करना है फॉर आपको डेट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में में डालना है, में डालना है है डेटा टाइप तो आप फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकते हो तो इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो होगा स्ट्रिंग कंटेनिंग वैल्यू फॉर्मैटेड एज डिफाइंड बाय फॉर्मेट अंडरस्कोर स्ट्रिंग देन कमिंग टू लेफ्ट फंक्शन अगर आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं लेफ्ट से फ्रॉम स्टार्ट टू द डिफाइंड स्पेस और डिफाइंड पोजीशन तो आप लेफ्ट फंक्शन यूज कर सकते हो एलई एन होता है लेंथ फंक्शन इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स तो आपको अगर एक्सेल आता है आप एक्सेल पे काफी काम कर चुके हो तो ये आपको बेसिक फंक्शंस लगते होंगे सिमिलर टू एक्सेल राइट देन लोअर फंक्शन इट कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स इन टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस Mid function it returns a string of characters from middle of a text string given a starting position and length. Then replace, replace replaces part of a text string based on the number of characters you specify with a different text string. Then there is a repeat function REPT repeats text a given number of times. Use REPT to fill a cell with a number of instances of a text string.

फंक्शन आपका जो टेक्स स्ट्रिंग है वो आपके अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा नाउ आई टॉक अबाउट लॉजिकल फंक्शन लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं इट एक्ट अपॉन एन एक्सप्रेशन टू रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज और

you want to calculate sales where your country is india as well as united states of america then you can apply filter as and india comma usa so it checks whether both arguments are true and returns true if both arguments are true otherwise returns false right then there is false function it returns the logical value false if function is there similarly uh, to all the कोडिंग फॉर एग्जांपल इफ यू डनिंग वो ही सेम कॉन्सेप्ट अगर आपकी कंडीशन मीट होती है तो आपका रिटर्न एक वैल्यू होती है अगर नहीं होती है तो दूसरी होती है इफ लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू अदरवाइज थर्ड आर्गुमेंट सो इट चेक्स इफ अ कंडीशन प्रोवाइडेड एज द फर्स्ट आर्गुमेंट इज मेट returns one value if the condition is true and returns another value if the condition is false if error function thoda advancement hai agar aapki if condition mein aap dal do ki agar error aata hai to usko handle kar le right then there is not function changes false to true and or true to false right then there is or function similar to and and ko opposite है or में कोई भी condition meet हो जाती है तो वो true हो जाता है. Right, then switch function is there. It evaluates an expression against a list of values and returns one of the multiple possible result expressions. This is also a very important function that is used in day-to-day -day power BI analysis. Alright, then there is true function, it returns the logical value true. So these are the logical functions. Now going back to the agenda. Now we have understood logical functions. Abamas math.

डिड इवन फ्लोर इंटीजर ऑर्ड पाई फंक्शन पावर फंक्शन प्रोडक्ट फंक्शन रैंडम बिटवीन राउंड साइन स्क्वेर रूट समक्स ट्रंकेट इनमें से सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है सम फंक्शन अगर हम सम पे जाते हैं सम फंक्शन क्या होता है इट एडस ऑल द नंबर इन अ कॉलम इसका सिंटेक्स होता है सम पैरथेसिस कॉलम नेम एंड पैरेंथिस क्लोज रिटर्न वैल्यू इज अ डेसिमल नंबर

अब आते हैं स्टेटिस्टिकल फंक्शन पे स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैलकुलेट वैल्यूज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशनिटी अगर आपको मीडियम मोड स्टैंडर्ड स्टैंड ये सब निकालने तो आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज होते हैं अगर हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन पे आते हैं तो इसमें होता है एड कॉलम्स एवरेज एवरेज ए एवरेज एक्स काउंट काउंट ए उंट ब्लैंक अगर आप देखोगे तो ये सारे फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस केस में हमारा जो फंक्शन ग्रुप स्टैटिस्टिकल फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट जाता है अगर आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हो पावर बी एम है चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सेल्स से रिलेटेड हो या फिर इन्वेंट्री से रिलेटेड हो आपको ये सारे फंक्शन यूज आते ही आते हैं अगर आपको काउंट करना है तो आप या तो काउंट फंक्शन यूज करोगे या काउंट ए फंक्शन यूज करोगे या काउंट ए एक्स यूज करोगे सिमिलर टू एक्सेल वही इसमें अप्लाई होगा अगर आपको एवरेजेस निकालने हैं तो आप एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हो राइट right? देन अगर आपको ब्लैंक्स काउंट करना है काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स इन अ कॉलम देन यू कैन यूज दिस फंक्शन काउंट ब्लैंक देन इफ यू वॉन्ट टू

ठीक है हर नंबर की रैंकिंग निकाल सकते हैं हम यूजिंग दिस फंक्शन फंक्शन इज़ रैंक एक्स इट द रैंकिंग ऑफ जो रैंक डॉट था वो हर एक लिए नहीं करता है हर एक रो के करेगा. अगर आपको एक पर्टिकुलर टेबल को समराइज करना है इट रिटर्न टेबल फॉर द रिक्वेस्टेड टोटल सेट ऑफ ग्रुप्स इट इज ऑल्सो वाइडली यूज फंक्शन

ये क्या होते हैं डैक्स इंफॉर्मेशन फंक्शन लुक एट द सेल और रो दैट इज प्रोवाइडेड एज एन आर्ग्यूमेंट एंडर दैल्यू मैचेस द एक्सपेक्टेड टाइप फॉर एग्जाम्पल इज एर फंक्शन इट रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू दैट यू रेफरेंस कंटेन कंटेन एन एरर अगर वो एरर होगा तो वो यस yes करेगा नहीं तो फॉल्स ऑल राइट कमिंग टू ओवर व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन राइट right. इसमें होता है कंटेन्स कस्टम डेटा इज ब्लैंक इज एरर इज इवन इज लॉजिकल इज नॉन टेक्स्ट इज नंबर इज ऑन और आफ्टर इज टेक्स्ट लुक अफ वैल्यू यूजर नेम सो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है इज ब्लैंक कंटेन्स सो मैं उन्हीं को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेन्स इज ब्लैंक देन इज एरर

checks whether the value is blank and returns true or false is error checks whether the value in an error is an error and returns true or false according to that lookup value hota hai ye bhi bahut important hai it returns the value in result column name for the row that means meets all criteria specified by search column name and search value agar aap isko dekhoge it is equivalent to vlookup which is used in excel agar aap excel use karte ho lookup value se vlookup se आप एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा को पुल कर सकते हो राइट इंफॉर्मेशन फंक्शन तो ऐसे right. so in तो ही हम आठ के आठ फंक्शन ग्रुप को डिफाइन करते हैं उसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं, उनको हम समझते हैं तो ये मेरा जो ओवरव्यू था टैक्स का वो इसी से सीमित था कि आपको कौन कौन से फंक्शन ग्रुप पता होने चाहिए उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हर एक फंक्शन ग्रुप को एक एक करके समझेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो होगा वो डेट एंड टाइम फंक्शंस पे होगा जिसमें हम समझेंगे कैलेंडर फंक्शन कैसे यूज करते हैं डेट फंक्शन कैसे यूज करते हैं हम डेट टेबल कैसे बनाएंगे तो ये सब चीजें यूज करने पर आपको पता चलेगा इसकी फंक्शनैलिटी ऑलराइट

डेट एन टाइम डेट फंक्शन डेट डेफ डेट वैल्यूट इज देर सो मेट राइट दिस पोर्टल मैं इसकी पीबीएक्स फाइल आपको शेयर कर दूंगा और साथ में पब्लिक लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इसको अपने साथ यूज कर सकते हैं

वीडियो रही है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी अगर आप न्यू हैं बिगनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं और वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ऑल एट गाइज मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू गाइज